नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी असंध में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित का टॉपिक करेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या भाई, जो किसी परेड में 616 सदस्य हैं, उसको एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। जो भाई, दोनों समूहों को क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। हमें क्या निकालना भाई, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। अब यहां से देखो भाई, देखने से पता चल रहा है अधिकतम संख्या, जहां पर भी अधिकतम संख्या का मतलब है हमें यहां पर उन 616 और 32 का HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर रहेगी 616 और 32 का HCF। क्या रहेगी भी, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, बराबर रहेगी किसके, 616 और 32 का HCF। अब 616 और 32 का हमें HCF निकालना है, तो 616 बड़ा रहेगा हमारा 32 से। अब 616 को भाग देंगे 32 से, और यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पिछली क्लासों में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सोल्व कर लिया था। उसी के रिगार्डिंग हम इसका HCF निकाल लेंगे। तो यहां पे आएगा 616 बराबर 32 गुना। अब देखो, यहां पर 32 से हम 616 को क्या करेंगे, भाग देंगे, ये चलेगा एक पे 32, 11 में से 2 गए 9, और यहां पर बचा 5। घटाने के बाद क्या आया, 200 घटाने के बाद क्या आया, 29, ऊपर से उतारेंगे 6, फिर क्या करेंगे 32 को, नौ दुनी 18, 1 नौतीय 27 और 1 28। तो अब ये 9 पर चलेगा 288, फिर घटाएंगे 16 में से 8 गए 4। अब यहां पर देखो भाई, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, फिर से यही प्रोसेस आगे चलेगा। जो हमारा भाजक था वो भाज्य बनेगा, और जो हमारा शेष आया वो क्या बनेगा, अब भाजक। फिर हम 4 से 32 को भाग देंगे, 4 8 32। अब यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। इस सिचुएशन में, इस केस में, जहां जो हमारा
भाजक था वो क्या होगा हमारा HCF। सॉरी, ये घटाने के बाद क्या आएगा, 16 में से 8 गई 8, 8 से हम 32 को भाग देंगे, 4 पे 8 चौके 32, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और जो हमारा यहाँ पर भाजक है वो क्या रहेगा हमारा HCF। तो HCF क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 32 गुना 19 प्लस 8, रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं था, उसके बाद 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस में 0, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस केस में जो हमारा भाजक था वो क्या रहेगा हमारा HCF। तो HCF क्या रहेगा हमारा HCF 616 32 8, तो वो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे हम स्तंभों की अधिकतम संख्या आठ होगी। तो भाई क्या था हमारा प्रश्न, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की हमें अधिकतम संख्या निकालनी थी जिसमें वो मार्च कर रहे थे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 616 और 32 का HCF, 616 यहाँ पर बड़ा रहेगा और 32 छोटा, तो 32 से हम 616 को भाग देंगे और इसको भाग तब तक देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए। जहाँ पर हमारा शेषफल 0 होगा उस समय जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या रहेगा HCF, और वो HCF वही तो हमारी स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, अब करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक की किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए तीन m या तीन m प्लस एक के रूप का रूप का होगा। रूप का होता है,
फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो भाई हमें दर्शाना है कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम माना पूर्णांक a, हमने पूर्णांक a मान लिया और b रहेगा हमारा 3। a संख्याओं के लिए जब हम a को 3 से भाग देंगे हमारा कुछ क्वेश्चन आएगा भागफल और कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कैसा होगा, या तो 0, 1, 2, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो a संख्याओं के लिए a 3 क्यों a 3 क्यों 3 क्यों प्लस 1 3 क्यों प्लस 2 के रूप का हो सकता है। अब हमें दर्शाना क्या था कि भाई कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो भाई धनात्मक पूर्णांक हमारा 3 क्यों, फर्स्ट केस, 3 क्यों का वर्ग, इसका वर्ग करने पर आएगा हमारा 9 क्यों स्क्वायर। यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यों स्क्वायर, 3 क्यों स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्यों यहां पर पूर्णांक है, इसको हम m बराबर 3 क्यों स्क्वायर, इसको हम m मानेंगे। दूसरा केस भाई, तीन क्यों प्लस एक, तीन क्यों प्लस एक का स्क्वायर करने पर यहां पर देखो भाई a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 3 क्यों का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a 3 क्यों बी 1। इसको सॉल्व करेंगे 9 क्यों का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस 2 3 6 क्यों। यहां से हम 3 कॉमन लेंगे तीन क्यों का स्क्वायर प्लस 2 क्यों और प्लस 1, इसके साथ हमारा क्यों है तो ये पूर्णांक हुआ, इसको हम क्या मानेंगे m, m बराबर क्या रहेगा हमारा 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों। तो क्या बनेगा भाई हमारा 3 क्यों 3m प्लस 1। ये हमारा केस नंबर 2 था। एक और केस है, इससे पहले हम इसको एक बार फिर दोबारा से देख ले। माना हमने कोई पूर्णांक मान लिया हमने a और b मान लिया हमने 3, 3 से a को हम भाग देंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कैसा होगा, या तो 0 होगा 1 2 होगा।
तो क्या होगा भाई, ए संख्याओं ए बराबर रहेगा हमारा, ए होगा तीन क्यों के रूप में, तीन क्यों प्लस वन, तीन क्यों प्लस टू के रूप का हो सकता है। अब तीन क्यों यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रखा है, तो हम उसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा तीन क्यों का स्क्वायर नाइन क्यों स्क्वायर, तीन यहाँ पर कॉमन लेंगे, उसके बाद तीन क्यों स्क्वायर हमारा एम के बराबर होगा क्योंकि क्यों यहाँ पर क्या है पूर्णांक है, तो तीन एम। आगे क्या है भाई, तीन क्यों प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी के स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी। फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सोल्व करेंगे, जो ये पार्ट होगा इसको हम एम मानेंगे क्योंकि क्यों यहाँ पर क्या है पूर्णांक है, और तीन एम प्लस वन ए हमारा जो आएगा तीन एम प्लस वन के रूप का होगा। इसके बाद अभी हमारा केस नंबर तीन, तीन क्यू प्लस दो का स्क्वायर करने पर यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी तीन क्यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दो का स्क्वायर प्लस दो ए बी, दो गुना ए हमारा यहाँ पर तीन क्यू गुना बी हमारा दो। सॉल्व करेंगे तीन तीन नौ क्यू का स्क्वायर प्लस दो दुनी चार प्लस दो तीन छः, छः दुनी बारह। क्यू नाइन क्यू स्क्वेयर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं एक प्लस तीन प्लस बारह क्यू, यहाँ से हम तीन कॉमन लेंगे, तीन कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर तीन क्यू स्क्वेयर। देखो यहाँ पर हम तीन कॉमन ले सकते हैं सब में से, तो तीन कॉमन लिया तीन क्यू स्क्वेयर प्लस वन प्लस तीन चौके बारह क्यू, यहाँ से हमने तीन को कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई हमारा अंदर तीन क्यू प्लस तीन क्यू स्क्वेयर प्लस वन प्लस फोर क्यू, और हमारा बाहर क्या है फोर वन प्लस में वन। इसको हम एम मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर तीन क्यू यहाँ पर हमारा क्या है कोई पूर्णांक है, तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे m, क्योंकि m बराबर क्या रहेगा हमारा तीन क्यू स्क्वेयर प्लस फोर क्यू प्लस वन, इसलिए तीन m प्लस वन। तो हमने देखा भाई तीनों उसमें इस प्रकार तीनों इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को वर्ग को तीन एम या तीन एम या तीन एम प्लस वन के रूप में लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को तीन एम या तीन एम प्लस वन के रूप में लिखा जा सकता है। इससे पहले दो केस थे, उनमें एक में आया था तीन एम
फिर उसके बाद दूसरे में जो ये वाला सॉल्व किया था उसमें आया था 3m+1। तीसरे वाले केस में भी क्या है हमारा 3m+1। इसीलिए हर इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद आता हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का घन 9m या 9m या 9m+8 के रूप का होता है। क्या भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। 9m+8 के रूप का होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b=3। जब हम a को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास कुछ कोसेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर क्या होगा भाई, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1, 2। हमारा रिमाइंडर किस रूप में होगा, 0, 1, 2। क्या होगा, a=3q+r a संख्याओं जहां
ए जहां आर छोटा होगा जहां आर छोटा होगा हमारा तीन से, ए संख्याओं तीन क्यू प्लस जीरो, तीन क्यू प्लस वन, तीन क्यू प्लस दो के रूप का हो सकता है, जो हमारा ए संख्या तीन क्यू प्लस जीरो, तीन क्यू प्लस वन, तीन क्यू प्लस दो के रूप का हो सकता है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? धनात्मक पूर्णांक का घन। तो भाई हमारे पूर्णांक क्या है? पहला तीन क्यू, इसका घन घन करेंगे, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस क्यू का घन। यहाँ से हम नौ कॉमन लेंगे, नौ यहाँ से हम तीन कॉमन लेंगे, तीन निमा सत्ताईस, और इसको हम मानेंगे m बराबर नौ क्यू का घन। क्या होगा भाई? सॉरी, यहां पर हम 9 कॉमन लेंगे तो हम यहां पर क्या होगा, 9m, एक संख्या हमारी क्या होगी 9m। दूसरे केस में तीन क्यू प्लस वन का घन करने पर क्या होगा? यहां पर भाई a प्लस बी का घन, इसका फार्मूला भाई a प्लस बी का घन का फॉर्मूला a की तीन प्लस b की तीन प्लस तीन ए बी गुना a प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो हमारा a की तीन यानी तीन क्यू का घन प्लस b की तीन यानी एक की तीन प्लस तीन ए बी, तीन गुना तीन क्यू गुना एक इंटू में ए प्लस बी यानी तीन क्यू प्लस एक। इसको सॉल्व करेंगे भाई, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस क्यू की तीन प्लस एक का घन एक, तीन तिया नौ नौतिया सत्ताईस क्या आएगा भाई, तीन तिया नौ नौतिया सत्ताईस, नौ एकम नौ नौतिया सत्ताईस। या सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तीन तिया नौ और नौ एकम नौ, नौ क्यू तीन क्यू प्लस वन, सत्ताईस क्यू की तीन प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करवाएंगे, नौतिया सत्ताईस क्यू का स्क्वायर, नौ एकम नौ, नौ क्यू, यहां से हम नौ कॉमन बाहर लेंगे, जब नौ को कॉमन लेंगे यहां से नौ तीस सत्ताईस, अंदर क्या बचेगा, तीन क्यू की तीन प्लस नौतीय सत्ताईस, तीन क्यू का स्क्वायर प्लस नौ बाहर ले लिया तो नौ एकम नौ और प्लस में वन। देखो भाई यहां पर ये जो हमारा पूरा सेक्शन है ये हमारा
m के बराबर रहेगा, इसको हम m बराबर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9m प्लस 1, तो हमारी संख्या क्या होगी 9m प्लस 1। ये हमारा दूसरा केस था। क्या सिद्ध करना था भाई कि भाई कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दो केस तो हमने सोल्व कर लिए, तीसरा केस अब हम आगे करेंगे। तीसरा केस क्या था भाई हमारा, 3q प्लस 2, इसका घन करेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के 3 का, a की 3 यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर में, a की 3 यानी 3q की 3 प्लस b की 3 यानी 2 की 3 प्लस 3ab 3 गुना a क्या है हमारा, a क्या है हमारा यहाँ पर, ये यह हमारा a है ये b है, 3q b हमारा 2 है इंटू में a प्लस b, a हमारा फिर यहाँ पर 3q प्लस 2, b हमारे यहाँ पर 2 है। इसका सॉल्व करेंगे 3 3 9 9 3 27 क्यू की 3 प्लस 2 2 4 2 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 9 3 9 2 18 क्यू तीन क्यू प्लस 2 27 क्यू की 3 प्लस 8 प्लस इस 18 क्यू की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे और फिर 2 के साथ करेंगे। तो पहले इसके साथ करेंगे 18 2 36 18 3 54 तो 54 क्यू का स्क्वायर, क्यू की मल्टीप्लाई अगर हम क्यू के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू गुना क्यू तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। उसके बाद 18 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करवाएंगे और बीच में प्लस का निशान, तो 18 2 36 क्यू यहां से हम 9 कॉमन लेंगे नौ तिया 27 क्योंकि 3 प्लस 9 9 6 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 4 36 क्यू और प्लस में 8। ये पूरा सेक्शन हमारा m के बराबर हो जाएगा, m बराबर रहेगा हमारा 3q का स्क्वायर प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ये क्योंकि क्यू हमारा क्या है एक पूर्णांक है इसलिए ये m के बराबर होगा, तो 9m प्लस 8। तीसरा केस हमारा क्या है भाई 9m प्लस 8, तो कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक घन जो किस रूप का होगा, या तो वो हमारा 9m के रूप का होगा या फिर 9m प्लस 1 के रूप का होगा या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ये हमने तीनों केसों में निकाल के देख लिया। तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो कल को करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज 1.2। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों हमें मेहनत करनी है, इस
मुसीबत के टाइम में घर पर बैठकर हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। जो भी कोई अगर क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल लक्ष्य अकेडमी असंत को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।